100% तो मैं सोच रहा हूँ जीतेगी ये मैच, क्योंकि अब दो दो की होगी, अब फाइनल में लोग जोर मारेंगे। लेकिन अपनी इंडिया टीम की बैटिंग है, उनको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। इस बार तो बैटिंग अच्छी की, लेकिन इस बार बॉलिंग की और फील्डिंग को जैसे मार खा गए, तो जहाँ तक मेरा अभी है तो इस बार कुछ अच्छे फील्डिंग और सबके साथ। पर्सनली क्या लगता है किस प्लेयर के साथ क्या कुछ खेल खेलना चाहिए? बॉलर में कुलदीप यादव और अपने चहल जी हैं, वो तो बढ़िया कर ही रहे हैं। बैट्समैन में अपने जो कोहली जी हैं, वो तो हर मैच में अच्छा ही दिखा रहे हैं। अपना जो अपने ओपनर हैं, वो थोड़ा कभी कभी चलते हैं, कभी कभी डाउन हो जाते हैं। तो ओपनर को यही सलाह देता हूँ कि वो भी अपना कुछ अच्छा पार्टनरशिप खेले, ताकि पीछे वाले आके अपना काम करके चले जाए। तो तुम्हें क्या लगता है कि कुछ तुम्हारे हिसाब से पर्सनली क्या रीजंस है दो मैच हारे? रीजंस ये हैं कि एक तो फील्डिंग्स इन्होंने अच्छी नहीं करी कि फील्डिंग, और जो बॉलर है वो बॉलिंग, मतलब उन्हें चेंज करना चाहिए बॉलर एक आधे। भुवनेश्वर कुमार ठीक है, उस बुमराह को लेकर और किसी हार्दिक पांड्या को भी लेना चाहिए इन्हें, ताकि वो अच्छे, तो उसके वो ऑलराउंडर है, बैटिंग लाइनअप भी अच्छा होगा इससे इंडिया का, और बॉलिंग लाइनअप भी अच्छा होगा, दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा कि बैटिंग भी है और हमारे पास बॉलिंग भी, और ऑलराउंडर है, फील्डिंग भी अच्छी करता हार्दिक पांड्या। अरे हार्दिक पांड्या तो वो है इंजर्ड है, इसलिए नहीं खेल रहा हूं। इंजर्ड तो है थोड़ा सा, तुम्हें क्या लगता है कि किस प्लेयर के साथ थोड़ा सा चेंज हुई तुम्हारे हिसाब से क्या? मुझे तो ओपनिंग में लगता है सबसे पहले, तो ओपनिंग में इन्हें चेंज करना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से क्यों? धवन तो वैसे नहीं चल रहा है ओपनिंग में, लास्ट मैच में चला है वैसे, और तीन मैच में चल नहीं रहा, लास्ट मैच चल रहा है वो भी, वो इतने स्ट्रगल करने के बाद चल रहा है वो भी। और विराट की बात करें तो विराट भी कॉन्स्टेंट नहीं चल रहा है, वो भी ऊपर नीचे बाउंड। विराट तो उसकी जो परफॉर्मेंस रहती है वैसे ओवरऑल सही रहती है, एवरेज निकालेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत सही है। सभी प्लेयरों में एवरेज निकालने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस विराट की है, उसके अलावा तो कोई यही है, आना जाना यही चल रहा है ज़्यादातर, और बॉलिंग में भी थोड़ा करना चाहिए उन्हें। जो पिछला मैच हारे, अगर उस मैच में अगर धोनी होते तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि ये मैच जीत गए थे, क्योंकि वो कैप्टनसी अच्छे से निभाते हैं वो, और इस मैच में कैप्टनसी लगी नहीं मुझे। और शंकर को ओवर भी नहीं दिया लास्ट मैच में, विजय शंकर ने आखिर मैच जिताया बैटिंग से भी और लास्ट में बॉलिंग से भी, क्योंकि 10 ओवर्स भी उसके कंप्लीट नहीं हुए, ओनली 5 ओवर डाले उसने लास्ट मैच में, तो ये सब वो भी है रीजन कि पिछला मैच वैसे जो लास्ट मैच जिस ग्राउंड में आता है उसमें चेज हो ही जाता है आराम से, मोस्टली चेज ही हुआ है उसमें जितना भी स्कोर।